मेरा नाम मनदीप है ते मैं आहूस विच डायलिसिस नर्स हाँ। यह फिल्म कोरोना वायरस या कोविड 19 उत्ते बनाई गई है ते गुर्दे दे बीमार डायलिसिस दे मरीजां ते जिन्हां नूं गुर्दे मिल चुके हैं जां ट्रांसप्लांट हो चुके हैं उन्हां लई है। यह फिल्म एलेंथे अते आकर्षुस यूनिवर्सिटी सीक्यूस ने मिलकर बनाई है। इस प्रोजेक्ट नूं डैम फाउंडेशन तो माली सहायता मिली है। कोरोना वायरस से काफ़ी जानकारी आ चुकी है पर नॉर्वे विच कोरोना वायरस के हालात से खास करके गुर्दिया के मरीजों या डायलिसिस के मरीजों लिए पंजाबी विच बहुत ही जानकारी नहीं है। इस करके एलेंथे ने चार वीडियो नौशक ते अंग्रेजी विच बनाए हैं जो तुसी एलेंथे.no ते यूट्यूब ते देख सकते हो। तुसी एलेंथे.no ते जाके वायरस की फोटो ते क्लिक करके फिल्म सिलेक्ट कर सकते हो। एक फिल्म दिखाती है कि तुसी इंटरनेट ते अलग अलग भाषावां च कोरोना वायरस बारे चंगी ते सही जानकारी किस तरह लभ सकते हो। एक फिल्म कोरोना वायरस बारे आम जानकारी ते है ते एक फिल्म गुर्दियां दे बीमार इंसानां लई है ते एक फिल्म जिन्हां नूं नवें गुर्दे मिल चुके हन जां ट्रांसप्लांट हो चुके हन उन्हां लई है। ये फिल्म जिहड़ी तुसी देख रहे हो इन्हां चारां फिल्मां दा संखेप है। कोरोना वायरस सब तो पहला गले ते फेफड़ियां ते हमला करता है अते इंसानां विच साहां विचों निकले हुए पानी दे कण राहीं फैलदा है। जदों कोई कोरोना दा मरीज़ खंघदा है तां कोरोना दे मरीज़ दे खंघ दे छिट्टे जदों किसे कोल खड़े या नज़दीक खड़े इंसान दे मूँह ते पैंदे हन तां उह इंसान नूं कोरोना हो सकदा है। जे इह छिट्टे जे कोल पए किसी वस्तु या चीज़ ते डिगदे हन ते तुसीं उस चीज़ नूं हथ ला के अपने मूँह ते लाउंदे हो तां वी तुहानूं कोरोना हो सकदा है। इस तरह इह वायरस इंसानां विच फैलदा है। ये छिट्टे वध तो वध एक मीटर की दूरी ते जाके डिगदे हन। इस करके जे तुसी दूसरियां तो 2 मीटर की दूरी रखते हो तो तुहानूं इनफेक्शन होने का खतरा घटता है। इस करके जरूरी है कि तुसी जिथे 2 मीटर की दूरी नहीं रख सकते उत्थे चेहरे ते मास्क लगा के रखो, जिवें कि बस विच जिथे 2 मीटर की दूरी रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। होर जानकारी लई तुसी नोशक्विनिश सेनिस्टेट्स फॉरेनिंग की वैबसाइट देख सकते हो। सैनिटेट स्क्रीने ते सर्च करो ते फिर ओम कोरोना ते जाके फिल्मर में इनफॉर्मेशन ओम कोरोना हो यूली के स्प्रोक ते क्लिक करो, फिर अपनी बोली विच फिल्म चुन लो। इस वायरस की सतह ते किल वर्गी प्रोटीन जा किल प्रोटीन हुंदी है। वायरस इस प्रोटीन नू साडे सैलां की सतह ते जुड़न लई इस्तेमाल करता है, लेकिन रोगनाशक प्रोटीन इस किल प्रोटीन नू साडे सैल की सतह ते जुड़न नहीं दिंदी। वैक्सीन साडे शरीर नू ए रोगनाशक एंटीबॉडी प्रोटीन नू बनाउण लई उत्तेजित करती है। परिवर्तित वायरस या जिसनू म्यूटेटेड वायरस कहा जाता है, इस किल प्रोटीन दे थोड़े जिहे हिस्से विच परिवर्तन आ जाता है जिस कारण यह साडे सैलां नाल आसानी नाल जुड़ जाता है। इस करके ये परिवर्तित वायरस ज़्यादा जल्दी फैलता है ते ज़्यादा बीमार करता है, पर वैक्सीन नाल जिहड़ी रोगनाशक प्रोटीन शरीर बनाउंदा है वह किल प्रोटीन दे परिवर्तित हिस्से ते नहीं जुड़ती पर होर हिस्सों ते जुड़ती है। इस करके वैक्सीन परिवर्तित वायरस के खिलाफ पूरी असरदार है। ये कोरोना करके महामारी जो शुरू हुई सी उदो मूल या मुढ़ले वायरस नाल एक बीमार व्यक्ति तो औसत तर ते अगे 2 व्यक्तियों तक यह बीमारी फैलती सी ते यह बीमारी बहुत तेजी नाल फैल रही सी। पर बीमारी दे फैलन नूं रोकण लई जिहड़े करड़े तरीके या पाबंदियां अपनाए गए वह काफ़ी हद तक सफल होए। एक बीमार व्यक्ति तो इस बीमारी की औसत तर ते अगे फैलन की गिनती घट के एक या उस तो भी घट हो गई। पर नॉर्वे विच हुण परिवर्तित या बदलिया होया वायरस म्यूटेटेड वायरस भी आ चुका है जो कि ज़्यादा तेजी नाल फैलता है। जे असी इन्हां कड़े नियमों का पालन नहीं करांगे तो एक कोविड के मरीज तो अगे औसत 3 या इस तो भी ज़्यादा इंसानों तक यह बीमारी फैलेगी। इस बीमारी नूं फैलन तो रोकण लई जिहड़े करड़े नियम बनाए गए हैं उन्हां नाल किसे हद तक बीमारी का फैलना घटिया है, पर कोरोना के मरीजों की गिनती फिर भी बढ़ रही है। पर हुण असी मार्च के आखिर विच हाँ ते वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है। बजुर्गों नूं पहला तरजीह दिती जा रही है। उम्र के हिसाब नाल पहले 3 ग्रुपां की वैक्सीन का टीचा खत्म हो चुका है। जल्दी ही ग्रुप 4 जिदे विच 65 तो 74 साल के व्यक्ति हैं ते जां जिन्हां नूं कोविड होने का ज़्यादा खतरा है वह हैं। 4th ग्रुप विच सारे व्यक्ति जिन्हां का गुर्दियां का ट्रांसप्लांट हो चुका है ते जिन्हां नूं पुरानी गुर्दियां की बीमारी है वह आउंदे हन। जे तुहानू मई महीने की आखिर तक तुहाडी कम्यून वालों वैक्सीनेशन का सद्दा नहीं आता है तो तुसी अपने फासले या डॉक्टर नाल संपर्क करो ताकि तुहाडी ग्रुप 4 विच वारी आ जाए। हुण अलग अलग किस्म दीआं वैक्सीन आ चुकियां हन। नॉर्वे विच असीं फाइजर ते मुदारना की RNA वैक्सीन लगा रहे हाँ। इहदीआं 2 डोज़ हैं जिहड़ियां कि 3 तो 4 हफ्ते के वक्फे नाल लगदियां हन। यह वैक्सीन सुरक्षित ते असरदार पाईआं गईआं हन। नॉर्वे विच AstraZeneca वैक्सीन भी दित्ती गई है।
ਪਰ ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟ ਬਣਨ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਐਸਟ੍ਰਾਜ਼ੈਨਿਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਫੇਰ ਲਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨਾਰਵੇ ਵਿੱਚ ਆਰਐਨਏ ਵੈਕਸੀਨ ਹੀ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਐਸਟ੍ਰਾਜ਼ੈਨਿਕਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਨਾਰਵੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੇ ਨੋਸ਼ਕੇ ਫੁਲਕੇ ਹੈਲਥ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ FOE.NO ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। FOE ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਮੈਜਰਸ ਐਂਡ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਸੈਵਰਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਉਮਰ ਦੇ ਜੇ ਦੋ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ 2.5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3.5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਟੈਸਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਜਦ ਤੱਕ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪੈਣ। ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਮਿਊਟੇਟਿਡ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਬਹੁਤ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ WHO.INT ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 12 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 26 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਵੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਘੱਟ ਫੈਲੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 82,000 ਕੇਸ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 648 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ 19 ਕਾਫੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਫੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। USA ਵਿੱਚ 9% ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ 0.16% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾਰਵੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। 1.5% ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 0.01% ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਮਿਊਟੇਟਿਡ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਊਟੇਟ ਹੋਏ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਗਈ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਨ ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲੋਂ ਮਿਊਟੇਟ ਹੋਏ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੀਏ, ਸੁਚੇਤ ਰਹੀਏ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਸੂਝ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।